दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके ऑप्शंस ट्रेडिंग करके आप अगर डेली के 1000 रुपया कमाना चाहते हैं तो क्या ऐसा तरीका है जिससे आप कमा सकते हैं। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि भैया आपने खुद कमाया, अगर आपने कमाया तो आप सिखाइए। तो सबसे पहले मैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने कमाया या नहीं कमाया। उसके बाद आप जज करिएगा, तीन स्टेप्स आएंगे, तीनों स्टेप्स के अंदर प्रॉपरली आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये अचीवमेंट आप पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पीछे दोस्तों मेरे पास है ज़ीरोधा का अकाउंट और उसके कॉन्सोल के अंदर हम आगे हैं। और ये जो अकाउंट है इसमें आप देखिए AM लिखा है, ये मेरे ब्रदर का अकाउंट है, उसका अकाउंट मैं ही संभालता हूँ। मैं 3-4 अकाउंट मैनेज करता हूँ अपने और अपनी फैमिली के, और वही अकाउंट के अंदर से एक अकाउंट ये है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस अकाउंट का मेन मोटिव क्या है कि कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करनी है। कंसिस्टेंट इनकम का मतलब क्या है कि इसमें ड्रॉडाउन ज़्यादा नहीं करना, तो इसमें रिटर्न्स कम आते हैं एज कंपैरिजन जो मेरे अदर अकाउंट्स है उसके मुकाबले, लेकिन इसमें ड्रॉडाउन्स बहुत कम आते हैं, यानी पैसा कम बहुत कम होता है, कंसिस्टेंट ऊपर जाता है। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड कर रहा हूँ। और ये देखिए ये मई 2023 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, डेट रेंज। और ये देखिए मैं 2022 मई फर्स्ट से इसको लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये हमने डन कर दिया, ठीक है, और इसको मैं अब प्रोसेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो रिजल्ट सामने आपको दिख रहा है कि रियलाइज्ड PNL है 2,81,000 रुपये, टोटल चार्जेस एंड टैक्सेस लग गए 48,000 के अप्रॉक्स, ये देख लीजिए सारे ब्रोकरेजेस एंड चार्जेस गवर्नमेंट के। उसके बाद अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स आपको दिख रहा है, नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है 2,33,000 रुपये, ठीक है। ट्रेड्स आप देख लीजिए, नीचे आपको ट्रेड्स दिखेंगे बहुत सारे ट्रेड्स आपको लॉस में दिखेंगे, बहुत सारे ट्रेड्स आपको प्रॉफिट्स में दिखेंगे, बहुत ही रेयर होगा कोई बड़ा लॉस होगा, और प्रॉफिट्स आपको थोड़े से बड़े आपको ज़रूर दिखाई देंगे, राइट। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, एक साल की स्टेटमेंट है ये प्रॉपर, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं बहुत बड़ा करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया लग गया है कि एक साल की रेंज के अंदर इतना पैसा कमाया है इस पर्टिकुलर अकाउंट में जो मैं संभालता हूँ, राइट। आप इसमें अगर हम आगे के कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। कुछ 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसमें ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी वैल्यू देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी, तो देखिएगा और समझिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में, मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले हम कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से 1000 पे डेली कमाया। तो एक साल का मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, उस एक साल के रिजल्ट के हिसाब से हमने नेट कमाया 2,33,000, ठीक है, 2,33,000 रुपये का अप्रोक्स हमने कमाया, ठीक है। अब इसमें हम गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात नहीं कर रहे, बेसिकली अगर आपकी यही इनकम सोर्स है, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ घर के अंदर बहुत सारे हमारे मेंबर्स होते हैं, मदर होते हैं, फादर होते हैं, फादर कई बार रिटायर हो जाते हैं, मदर हमारी हाउसवाइफ होती है, कुछ हमारे छोटे भाई बहन हो सकते हैं जिनकी अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, 18 साल से ऊपर हो गए हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट में टैक्स बचाना है, लीगली बचाना है, कोई फेक तरीका नहीं आपको बता रहा, तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आ रही है, तो आप घर में से ऐसे पर्सन के नाम पर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए जिनके नाम पे कोई इनकम नहीं आ रही है, और आप उनके अकाउंट में जा कर के ट्रेडिंग करेंगे तो वो भी आपका जो टैक्स है वो फ्री हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं घर के आपने किसी ऐसे मेंबर के साथ अकाउंट ओपन करा लिया जिसकी कोई अदर इनकम नहीं है और आप इतना पैसा ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, तो ये बिजनेस इनकम में कंसिडर हो जाता है, और इसके ऊपर भी आपको जो टैक्स स्लैब के रिडेम्पशंस है वो मिल जाते हैं, तो टैक्स फ्री एक तरीके से इनकम आपकी हो जाती है। इस पर कोई आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लीगल तरीका ही है, कोई इलीगल तरीका नहीं है, बिल्कुल लीगल तरीका है। अब यहाँ पर देखिए 2.33 लाख रुपीस आपने कमाए, 2,33,000 रुपये कमाए। आपके पास जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो कितने होते हैं एक साल में? अप्रोक्स होते हैं 240-250 होते हैं। अभी भी मेरा एक साल नहीं हुआ है, एक महीना अभी भी बचा हुआ है, फिर भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये 240 होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीस पर डे आ जाएगा, 1,000 रुपीस पर डे का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कंसीडर हो गया, ठीक है। ये होगी दोस्तों हमारी कैलकुलेशन, 1,000 रुपये पर डे
ऑन एवरेज मैं कमा रहा हूँ, जिस दिन मार्केट खुलती है उस हिसाब से मैं 1,000 रुपये पर डे कमा रहा हूँ। महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? महीने में होते हैं 220 या 22, हम कंसीडर कर रहे हैं राउंड फिगर में 20, तो 20 ट्रेडिंग डेज है। तो उसके हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1,000 रुपीज़ से, तो ऑन एवरेज एक महीने के अंदर अप्रोक्स 20,000 रुपये इस अकाउंट के अंदर बन रहा है, 20,000 रुपीज़। अब इस 20,000 रुपये महीना बनाने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड लगा? इस 20,000 रुपये महीना लगाने के लिए जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसके अंदर जो पैसा डला हुआ है वो डला हुआ है 6 लाख रुपीज़। किस चीज़ के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शंस के अंदर भी हम ऑप्शंस बाइंग नहीं करते, हम ऑप्शंस सेलिंग करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ROE देखूं कि भाई कितना ROI है, तो अप्रोक्स ये ROE आता है, मतलब 6 लाख रुपये से अगर हमने 2,33,000 रुपये नेट बना लिए हैं, तो इसका जो ROI निकल कर आता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो निकल कर आता है, वो निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 35%, जो कि बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। 35% अगर आप साल का कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग से अंदर ऑप्शन सेलिंग से ये रिटर्न निकल कर आया, एक साल का मैंने पूरा आपको स्टेटमेंट दिखा दिया है, राइट। मैंने मई से शुरू करा था, बाकी जो ट्रेडिंग है वो जून से स्टार्ट हुई थी ये पिछले मंथ। तो ये दोस्तों पूरा ब्यौरा है, ये पूरी कैलकुलेशन है। अब आपके दिमाग में एक चीज सवाल आएगा, अब जो ट्रेडिंग से हम ट्रेड कर रहे हैं उसको किस तरीके से करना चाहिए? काफ़ी लोगों के अंदर मिथ पता क्या है कि अगर 1,000 रुपये कमाना है ट्रेडिंग से तो वो क्या करते हैं, 1,000 रुपये का प्रॉफिट आया मार्केट के अंदर अपना ट्रेड बंद करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप 1,000 रुपये अगर एक ट्रेड में कमा रहे हैं, अगले ट्रेड में अगर 600, 700, 800 रुपये का लॉस कर रहे हैं, तो कायदे से बचा तो 200 रुपये, तो 1,000 रुपये डेली कैसा बनेगा? 1,000 रुपये डेली दोस्तों ऐसा नहीं बनेगा। अब ये जो 6 लाख रुपये लगे, इसमें हो क्या रहा है? जब मैं कोई ऑप्शन का सेलिंग का कोई ट्रेड ले रहा हूँ, ये देखिए पहला जो स्टेप है कुछ कैलकुलेशंस का है, कुछ कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगी तो चीज़ें आसान हो जाएगी। अब होता क्या है, ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक महीने में मान लेते 20 डेज है, ठीक है, कितने हैं 20 डेज है एक महीने में। अब इन 20 डेज के अंदर हम 20 बार ट्रेड कर रहे हैं एक महीने में, जो हमारे ट्रेडिंग डेज है वो अप्रोक्सीमेटली 20 डेज है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि इन 20 डेज में से 12 बार में मार्केट के अंदर ठीक हूँ और पैसे कमा के निकला हूँ 12 बार, ठीक है। और 12 बार मान लेते हैं मैंने 5,000 रुपये मार्केट से कमाए, ठीक है, एक ट्रेड लिया उसमें मैंने 5,000 का प्रॉफिट लिया और 12 बार मेरे प्रॉफिट में गए, 60% की एक्यूरेसी मान लीजिए, 60% के अप्रोक्स की एक्यूरेसी जो ऑप्शन सेलिंग के अंदर अवूमन मिल जाती है। तो अगर उसके अंदर हम एस्टिमेटेड लगाए तो ये पैसा हो जाता है 60,000, 60K, ठीक है, 60,000 रुपये बन गया। अब इन 20 दिन में से 8 दिन ऐसे भी होंगे जिनमें मुझे नुकसान होगा, तो हम 8 दिन ऐसे लगा रहे हैं जिसमें मुझे लॉस हुआ। अब इसके अंदर भी मान लेते हैं मुझे 5,000 रुपये का ही लॉस हुआ, ठीक है, जितना मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ उतना ही मान लेते हैं मैं लॉस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लॉस कितना हुआ, अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 40K, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 20K, तो हमारे पास 20,000 रुपये बचेंगे। तो यहाँ दोस्तों जो रिजल्ट निकल कर आया वो आया 20,000, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेली का 1,000 रुपये कमाना है, यानी 20 दिन में 20,000 रुपये कमाना है, तो 1,000 रुपये कमा कर बात नहीं बनेगी, आपको अपने जो टारगेट्स है वो 4-5,000 रुपये रखने पड़ेंगे। आपको 4-5,000 जब टारगेट रखेंगे तो 3-4,000 रुपये का आपको लॉस आएगा लॉस वाले ट्रेड्स में। ज़्यादातर मैंने ये बराबर कंसिडर करा है, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ उसके अंदर बराबर की रेशियो आती है, यानी 5,000 रुपये का लॉस होगा या 5,000 का प्रॉफिट आएगा। बस इसमें एज ये है कि मेरी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा, यानी लॉस के ट्रेड थोड़े कम रहते हैं प्रॉफिट के ज़्यादा रहते हैं, तो वो एज है जिस वजह से ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको अपने टारगेट्स रखने होते हैं। टारगेट्स थोड़े बड़े रखेंगे तब जाके एक बीच का आपको मार्जिन मिलेगा। 1,000 रुपये प्रॉफिट कमा के आप 1,000 रुपये डेली का नहीं कमा पाओगे। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये कुछ कैलकुलेशंस थी जो स्टेप नंबर 1 में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। दोस्तों हम आगे स्टेप नंबर 2 में, लोगों के अंदर एक मिथ है, ट्रेडर्स के अंदर एक मिथ है, वो मिथ आपको क्लियर कर देता हूँ कि पैसा बनाने के लिए बहुत डीप एनालिसिस करनी है, बहुत तगड़ा कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे एनालिसिस को उतना ज़्यादा हेडेक होगा और पैसा नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ आपको। देखिए मार्केट के अंदर आपको पैसा बनाना है, अपनी एनालिसिस को बहुत सिंपल रखिए,
बहुत इजी रखी है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मार्केट के अंदर ना कोई 100% करेक्ट नहीं है। कोई अगर आपको ये कह दे ना कि मैं 100% बता सकता हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, फ्रॉड आदमी है। मार्केट के अंदर कोई भी एनालिसिस 100% है ही नहीं। मार्केट के अंदर देखिए, आपको हमेशा ये सोच के रखना है कि अगर आपने कोई ट्रेड डाल दिया है, अब ये ट्रेड आपका सही भी हो सकता है और ये ट्रेड आपका गलत भी हो सकता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप सही हो तो मार्केट से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट लेके जा सकते हो, वो अपना बेस्ट दो। और जब आप मार्केट के अंदर गलत हो और आपको दिख रहा है कि आप गलत हो, तो कम से कम लॉस में आप कैसे बाहर निकल सकते हो। अगर इस माइंडसेट से आप मार्केट के अंदर काम करेंगे तो डेफिनेटली 100% मार्केट में पैसा कमाएंगे, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। आप एनालिसिस के पीछे भागते रहो, स्ट्रेटेजिस के पीछे भागते रहो, पैसा नहीं बनने वाला। आपको अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ठीक करना है, माइंडसेट आपको ठीक करना है। वही चीज दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी ऐसी एनालिसिस कर रहा हूँ जिसपे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो बड़ी सिंपल सी मेरी एनालिसिस है। अब ये जो ट्रेड्स है मेरे नॉर्मली रहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, ठीक है, या तो मैं निफ्टी पर ट्रेड डालूंगा या बैंक निफ्टी पर डालूंगा। आप शुरुआत में निफ्टी पर जा सकते हैं। रीजन मैं बता देता हूँ निफ्टी में जाने का, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी कम होती है, ऊपर नीचे इतनी तेजी से नहीं होगा, तो आपको निकलने का यानी एग्जिट करने का भी समय मिलेगा, एंट्री के टाइम मतलब प्रॉफिट में भी, और स्टॉप मतलब अगर डाउन साइड आपकी मार्केट चलेगी तो। निफ्टी बैंक निफ्टी दो सेगमेंट है जिसमें मैं ट्रेड डालता हूँ, और ये सारे ट्रेड रहते हैं ऑप्शन सेलिंग के। अब एनालिसिस में क्या करता हूँ भाई, कैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अब बुलिश ट्रेड लूंगा या बेरिश ट्रेड लूंगा, ये कैसे डिसाइड हो रहा है इस अकाउंट के अंदर? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। मैं सिर्फ फोकस करता हूँ क्लोजिंग के ऊपर, वो भी डेली कैंडल में। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्लोजिंग क्या इंपॉर्टेंट है? निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग है वो हाई के आसपास हो रही है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी चला आज 18,000 से, उसने एक हाई मारा 18,100 का, अगर उसकी क्लोजिंग भी 18,100 के आसपास हो रही है, देखिए 18,000 से बैंक निफ्टी चला और 18,100 के आसपास अगर उसकी क्लोजिंग हो रही है, तो मेरे लिए एक एस्टिमेटेड एक बुलिश सिग्नल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है मेरे दिमाग के अंदर कि अगर 18,000 रुपये से बैंक निफ्टी चला है और 18,100 तक ऊपर गया है और क्लोजिंग इसके आसपास ही हो गई, अगर क्लोजिंग इसके आसपास हो गई तो यानी मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि अगर क्लोजिंग हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग तो आई नहीं, तो अगले दिन मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 बजे के बाद में यह देखता हूँ कि निफ्टी क्या अपने हाई के आसपास क्लोज कर रहा है। अगर हाई के आसपास क्लोज कर रहा है तो मैं बुलिश ट्रेड डाल देता हूँ, बुलिश स्ट्रैटेजी बना के ऑप्शंस में डाल देता हूँ, और ये हाई प्रोबेबिलिटीज की रहती है कि कल या परसों तक यानी एक दिन के अंदर या अगले दिन के अंदर प्रॉफिट या लॉस जो है वो आ जाता है। अगर प्रॉफिट आना होता है तो नेक्स्ट डे ही 70-80% है प्रॉफिट आ जाता है, अदरवाइज नहीं आना होता तो 1 या 2 दिन वो लगा लेता है, राइट, या स्टॉप लॉस लग जाएगा, दैट्स इट। मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, क्लोजिंग क्या हाई के आसपास हो रही है, क्लोजिंग नियर हाई इज मोर इंपॉर्टेंट मेरे लिए, बस क्लोजिंग नियर हाई मुझे चाहिए। और अगर मुझे बेरिश ट्रेड डालना है तो ठीक इसका उल्टा कर लीजिए, मार्केट मान लेते हैं 18,100 पे ओपन हुआ, गिर गया और क्लोजिंग के टाइम वो 18,000 का लो बनाया उसने, ठीक है, लो देखिए क्लोजिंग नियर लो, अगर क्लोजिंग नियर लो है 18,000 तक आ गया, अब मैं यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड बना दूंगा 1 या 2 दिन के लिए। अब मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 70-80% चांसेस है कि मार्केट अगले दिन भी नीचे गिरेगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब ये अगर मैं करता हूँ तो मुझे 60-70% की एक्यूरेसी मिल जाती है। 60-70 बार ये काम करता है, 30-40 बार काम नहीं करेगा, 60 बार भी काम करेगा, 60% भी काम करेगा, मेरा पैसा तब भी बन रहा है, 1,000 रुपये डेली के आ रहे हैं उस अकाउंट में, और मैंने रिटर्न आपको बताया था 35% का रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं उस अकाउंट से। इसको मैं थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 50% तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स मेरे चलते रहते हैं बीच में अकाउंट्स में, ये भी आपको पता है। तो ये दोस्तों पूरा मैंने एनालिसिस आपको बता दिया कि क्या एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, आप दिन का देखिए कहाँ क्लोजिंग कर रहा है, आज के दिन हाई के आसपास कर रहा है
तो हाई प्रोबेबिलिटी है एक दो दिन में शायद ये बुलिश हो सकता है, लो के आसपास कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है एक दो दिन के अंदर बेरिश हो सकता है। बस इतना सा करना है और आपका पैसा बन जाएगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में जाएंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शन के ट्रेड्स डिजाइन कर रहे हैं, वो डिजाइनिंग में आपको समझा देता हूँ, वो देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत क्लैरिटी से आप ट्रेड कर पाएंगे, तो वो जरा समझ लीजिए। अब दोस्तों आगे हम स्टेप नंबर थ्री में, अब स्टेप नंबर थ्री में हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ऑप्शन के ट्रेड ले रहे हैं। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी 50 का, तो इसके एग्जांपल से आप समझिएगा और सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी के साथ भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे आज के दिन लगा कि निफ्टी बुलिश हो सकता है, ठीक है, मुझे आज के दिन लगा कि निफ्टी यहाँ से बुलिश हो सकता है, अगले दिन मुझे क्लोजिंग मिल गई हाई के आसपास, तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट के अंदर एक बुलिश स्प्रेड बना दूंगा। बुलिश स्प्रेड के बारे में जो लोग नहीं जानते, एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, मैं आई बटन पे दे रहा हूँ कि स्प्रेड्स होते क्या है, आप जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और जो लोग जानते हैं उनको समझ में आ ही जाएगा। बुलिश स्प्रेड क्या होता है थोड़ा सा एस्टिमेटेड आइडिया मैं अभी आपको दे रहा हूँ। तो मैं एक स्प्रेड बनाता हूँ। अब मान लेते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 18,000 पे हुई है, ठीक है, और मार्केट का जो आज का लो है, जो आज का लो है मान लेते हैं वो है 17,900, क्लोजिंग हुई है 18,000 के आसपास और ये हाई भी इसके आसपास ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हाई भी उसके आसपास ही है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं अगर मार्केट में बुलिश हूँ तो मैं 18,000 की जो पुट है, 18,000 की जो पुट है उसको सेल कर दूंगा, पुट सेल कर दूंगा। पुट सेल करने से मुझे बेनिफिट ये होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये पुट मुझे प्रॉफिट देगा, क्योंकि मैंने इसको बाय नहीं करा है, इसको सेल करा है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर चीज उल्टी हो जाती है, तो मैंने क्या करा, एक पुट सेल कर दिया कि अगर मार्केट और ऊपर जाएगी तो मुझे इससे क्या होगा, बेनिफिट आएगा। और मैं रिस्क को कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर आज का लो 17,900 है, आज का लो मैं डिसाइड कर लूंगा कि क्या है, अगर आज का लो 17,900 है तो वहां की मैं क्या करूंगा, मैं एक पुट बाय कर लूंगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या जरा समझिए, जो मैंने पुट सेल करी होगी मान लेते हैं उसका एस्टिमेटेड प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है, और जो पुट मैंने बाय करी है मान लेते हैं उसका एस्टिमेटेड प्राइस है 60 रुपये, तो बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 40 रुपये। तो ये 40 रुपये मुझे कमाना है, दैट्स इट। अगर ये 40 रुपये का प्रॉफिट आ गया तो ठीक है। अब ये जो 40 रुपये है, अगर मान लेते हैं मैंने लॉट साइज के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे अप्रॉक्स, मान लेते हैं कि मैंने एक प्रॉफिट डिसाइड कर लिया, मेरा प्रॉफिट 4,000 रुपये आएगा, अगर ये मेरा ट्रेड चल गया तो मुझे 4,000 रुपये मिलना है, तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। जब भी मैं ये स्प्रेड बनाऊंगा तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर उतना ही लॉस मुझे उस ट्रेड में आ गया और कभी भी आ गया, मैं अपना ट्रेड काट दूंगा और एग्जिट कर दूंगा और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए। सिर्फ ये चीज़ दोस्तों मैं फॉलो करता हूँ इस पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर, उससे वो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है ये। सेम चीज़ आप उल्टी कर दीजिए, अगर मार्केट के अंदर आपको बेरिशनेस लग रही है तो सेम चीज़ आप बेरिश में आप एक स्प्रेड बनाइए जिसके अंदर आपको प्रीमियम मिल रहा हो, ये प्रीमियम गेन करने का तरीका है, इसमें आपको प्रीमियम गेन करना है और सेम आपको जो 40-50 का जो प्रीमियम मिलेगा, जितना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उतना ही लॉस रखिए, उतना लॉस अगर आपको आ जाता है तो अपने ट्रेड से एग्जिट कर दीजिए और प्रॉफिट अगर आपको आ गया पूरा का पूरा प्रॉफिट लीजिए और एग्जिट हो जाइए। कई बार क्या होता है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ये प्रॉपर मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपको एस्टिमेटेड 90-95% प्रॉफिट आ जाता है, 90-95% प्रॉफिट पहले आ जाता है, यानी 4,000 की जगह अगर आपको 3,500 या 3,700 रुपये मिल रहा है तो अपना ट्रेड को एग्जिट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, लेकिन अपने लॉस को भी जो मैक्स प्रॉफिट है उससे थोड़ा सा कम रख लीजिए, 400-500 रुपये। तो अगर 3,500 रुपये अगर आप निकलने वाले हैं, मैक्स प्रॉफिट 4,000 है, तो 3,500 ही अपना लॉस रखिए, 3,500 अगर आपको स्प्रेड में लॉस आ गया अपने ट्रेड को एग्जिट करिए, बंद करिए, दैट्स इट। स्प्रेड्स कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ उसमें स्प्रेड्स के बारे में प्रॉपर बताया है, सेलिंग स्प्रेड्स के बारे में आप जाकर के उसको सीख सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरीके से हम 1,000 रुपये की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको 1,500 की प्लानिंग करनी है, 2,000 की करनी है, तो सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी, ठीक है, कैपिटल भी डबल हो जाएगा। अब ये जो स्प्रेड्स है इसके लॉट साइज भी बढ़ जाएंगे, लॉट साइज आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे और आपको
इस तरीके से काम करना पड़ेगा। जब आप स्प्रेड बनाएंगे तो जो उसकी क्वांटिटी है कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैंने वो 4-5 हज़ार वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, तो वो 5 हज़ार रुपये का आपको प्रॉफिट चाहिए स्प्रेड में, तो जैसे ही 5 हज़ार का प्रॉफिट वाला स्प्रेड आपका बन रहा हो तो उतनी क्वांटिटी आप ऊपर नीचे करिएगा। आप 4-5 हज़ार रुपये का एक टारगेट बनाइए कि मुझे एक स्प्रेड में 5 हज़ार चाहिए, तो उतनी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा स्प्रेड के अंदर, बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जरूर काम आएगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।